नमस्कार, आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर का बुलेटिन लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, आज राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को लेकर एक बड़ी अपडेट की आपके साथ बात करेंगे। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से ये चीज़ें चल रही हैं और भारत सरकार के एक ड्राफ्ट को उसमें आधार बनाया जा रहा है। हिमाचल में रिटायरमेंट एज को लेकर सरकारी सेक्टर में क्या डिस्कशन है और भारत सरकार का ये जो ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है ये सही भी है या फेक है, इन दोनों चीज़ों को लेकर आज इस बुलेटिन के जरिए आपको क्लैरिटी देंगे। और आने वाले दिनों में जो चीज़ें या इससे रिलेटेड घटनाएं हैं उनकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे CPS केस को लेकर, जिसमें एक तरफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग ये क्लैरिटी हो गई है कि वो आगे इस केस में किस तरह से मूव करने वाले हैं। साथ में कैबिनेट कल है और कल कैबिनेट में CPS के इस मामले में आए फैसले की डिस्कशन के अलावा बाकी चीज़ें क्या हैं जो जिनका असर प्रदेश के लोगों पे होगा, उनकी बात करेंगे। और 6 सीटों पर उपचुनाव की बात आज किसने की है वो भी आपको जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री रामपुर की लवी के समापन के लिए गए थे और इस समापन में रात को जो उनका भाषण था लवी के समापन का, एक वो दिन को आज सुबह विक्रमादित्य सिंह के पदम पैलेस में गए थे। उसके बाद दत्तनगर मिल्क प्लांट में एक और जो वहाँ प्लांट बनना है उसको लेकर जो बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं उसमें एक बड़ा ऐलान है। और साथ में कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने भी एक बात कही है जो कांग्रेस की एक और गारंटी को लेकर है। तो ये दोनों चीज़ें आपको जाननी चाहिए। जहां तक बात FIR वाली भर्तियों को लेकर हिंट की है, तो आज पोस्ट कोड 980 के युवा जो राज्य सचिवालय तक पहुंच गए थे छुट्टी के दिन के बाद भी, क्योंकि कल इनकी मुख्यमंत्री से जो जाते जाते बात हुई तो CM ने कहा था कि कल इस बारे में बात करते हैं, तो आज ये इंतजार के लिए रुके हुए थे। फाइनली वो कोर में मिले हैं और मिलने के दौरान क्या हिंट मिला है वो आपको बताएंगे और करुणा मूलक वालों को क्या कहा है वो भी ओकओवर में मिले हैं, वो भी बात करेंगे। साथ में अफसरों को लेकर एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये ऑर्डर आपके साथ इसलिए डिस्कस करने की ज़रूरत है, राज्य की ट्रांसफ़र पॉलिसी हो चाहे पॉलिसी गाइडलाइन हो, एक व्यवस्था रही है पहले से कि क्लास 1 पोस्ट को लेकर जो 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 एक कार्यकाल डिफाइंड है वो नहीं है, इसीलिए चाहे SDM हो चाहे XCN हो चाहे चीफ इंजीनियर हो इनको इमीडिएट बदला जा सकता है, ऐसा सरकारी सिस्टम में पहले से परंपरा में है। लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट ने एक सवाल उठाया है और ये सवाल क्या है इस केस में हमारे सामने जो आया है वो आज बात करेंगे। थानों में CCTV को लेकर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है वो बात करेंगे। चिट्टे ने घुमारवी में एक घर का चिराग बुझा दिया है, एक युवक 22 साल के युवक की मौत हो गई है, इस घटना की भी बात करेंगे क्योंकि आजकल जो ड्रग्स को लेकर नेटवर्क हिमाचल में क्रिएट हो रहा है और जिस तरह से सोसाइटी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है इस तरह के मामले बाहर आने चाहिए। बिजली बोर्ड में विरोध को लेकर एक नई हलचल शुरू हुई है और पिछले कल मुख्यमंत्री की एक बैठक थी, आगे CM ने दिसंबर में एक और बैठक बुला ली है और वो स्पेसिफिकली बिजली बोर्ड को लेकर है, तो बिजली बोर्ड में बड़ा व्यवस्था परिवर्तन आने वाले दिनों में होने जा रहा है। लेकिन जिस फैसले का विरोध हो रहा है उसकी हम जानकारी आज आपको देंगे। एक बात करेंगे शादी के कार्ड की, देखिए शादियों का सीजन है, ऑनलाइन कार्ड का आजकल चलन है, लेकिन ये ऑनलाइन कार्ड जो है व्हाट्सएप के जरिए जो आपको मिलेगा ये क्यों दिक्कत भी बन सकता है आपके लिए वो आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साइबर क्राइम से रिलेटेड मामला है। पूर्व DGP पर गंभीर आरोप लगे हैं जो रिटायर हो गए हैं, वैसे प्रॉपर्टी के मामलों में वो पहले से विवादित रहे हैं, लेकिन शिमला में ब्रह्म समाज की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, उसमें जो ये सम्मेलन जो आज शुरू हुआ उसमें पूर्व DGP पर गंभीर आरोप लगे हैं, आज हम इन आरोपों को आपको बताएंगे। कल इन्होंने श्योर किया है कि DGP से संबंधित एक वीडियो और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मीडिया को जारी करने वाले हैं, तो फिर विस्तृत बात कल करेंगे। साथ में मौसम में भी आपको अपडेट देंगे क्योंकि मौसम में जो एक जो धुंध का अलर्ट चल रहा है उसकी जानकारी देना ज़रूरी है। देखिए बारिश को लेकर भी बार बार अलर्ट दिया जाता है, बताया जाता है, लेकिन बारिश हुई नहीं और जो हिमाचल में ड्राई स्पेल है ये भी काफ़ी लंबा हो गया है और इस ड्राई स्पेल के कारण अब फसलों को चाहे फसल चाहे
जो रवि की फसल हो चाहे बागवानी हो, उन दोनों जगह अब ऐसा लग रहा है कि अब इस ड्राई स्पेल के कारण नुकसान की स्थिति है। लेकिन अभी जो हमारे सामने एक जो अलर्ट है धुंध को लेकर, हम उसकी आपको ज़रूर जानकारी देंगे। और ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है, जो लोग सफ़र करते हैं जो रूटीन में यात्रा करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बिलासपुर, मंडी, ऊना और हमीरपुर जिलों में ये धुंध का अलर्ट है। अगले 48 घंटे तक कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। भाखड़ा बांध के किनारे धुंध सबसे ज़्यादा रहेगी और देर रात और सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। देखिए, किरतपुर मनाली नेशनल हाईवे 4 लेन है और 4 लेन पे स्पीड वैसे ही गाड़ियों की ज़्यादा रहती है, इसीलिए ये अलर्ट जो है वो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, इन जिलों में इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। और पश्चिमी विक्षोभ जो है ये अभी तक चल रहा है, इसी कारण आगामी 1-2 दिन भी यही जो फोरकास्ट है वो रहने वाला है। अब बात करेंगे पूर्व DGP की, जो अब रिटायर हो गए हैं, कल हम नाम के साथ भी बताएंगे। लेकिन आज हिमालयन ब्रह्मो समाज की शिमला में 133वीं ऑल इंडिया ब्रह्मो कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। 15 से 16 नवंबर ये कालीबाड़ी शिमला में आयोजन चल रहा है। आज शुभारंभ हुआ इनका और उसके बाद जो ब्रह्मा उपासना की गई, इनके जो अध्यक्ष हैं, भारतीय ब्रह्मा समाज के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमंता नियोगी, इन्होंने इस सम्मेलन को लेकर जानकारी दी, स्मारिका का विमोचन किया। जो कुमारी ज्योतिका शर्मा हैं, इन्होंने शिमला के बारे में एक बात कही कि ब्रह्म समाज का जो मंदिर है और प्रॉपर्टी है उसको हड़प करने के लिए जो दो लोग शिमला में हैं वो षड्यंत्र रच रहे हैं और फर्जी ट्रस्टी, झूठे ट्रस्टी क्रिएट किए जा रहे हैं। और इन ट्रस्टियों को लेकर, कॉन्फ्रेंस को रोकने को लेकर जिला न्यायालय में केस भी दायर किया गया, 13 नवंबर को इसे खारिज कर दिया गया। ज्योतिका शर्मा ने बताया कि हिमाचल के एक पूर्व DGP ने इस षड्यंत्र में साथ दिया और वो मकसद था जमीन को हड़पने का, और इसमें जो जिस कारण ये मामला और उलझा, अब वो पद पर नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो भी इनके पास जो तरीके थे उनको लिया है और उसके बाद कल इन्होंने कहा है, वैसे आज जो पहला दिन था कॉन्फ्रेंस में उसमें एक वीडियो भी इन्होंने दिखाया है जो पूर्व DGP से संबंधित है, लेकिन कल ये कहा है कि मीडिया के साथ इसको शेयर करेंगे। तो ये एक जो आरोप, बड़ा आरोप है ये, इसकी जानकारी आपको दी। शादी के कार्ड से सावधान रहने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि शादियों के सीज़न में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, निमंत्रण पत्र PDF भेज देते हैं और उसके बाद फिर ये चीज़ें आगे चलती हैं। लेकिन शादी के कार्ड की तरह का, PDF के कार्ड की तरह का एक जो मलवेयर है, जिसको बोलते हैं कि जो हैक करने को लेकर, फ़ोन को हैक करने को लेकर है, वो जो मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आपका डाटा और बैंकिंग जानकारी जो है वो किसी दूसरे तक पहुँच सकती है। और आजकल जो साइबर क्राइम के लोग हैं, साइबर ठगों से, जो ASP हैं नरवीर राठौर, इन्होंने साइबर ठगों से जो है इस तरह की ट्रिक से बचने को कहा है। और इस ट्रिक से आप सिर्फ जानकारी के माध्यम से बच सकते हैं और कोई माध्यम इसका नहीं है कि आप इससे बच पाएं, इसीलिए ये जानकारी हमने आपके साथ साझा की। बिजली बोर्ड में हलचल की जहाँ तक बात है, तो बिजली बोर्ड की जो हलचल है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ नए फैसले बिजली बोर्ड में अब चल रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी एक बैठक ली थी, उसके बाद दिसंबर में के पहले हफ्ते में एक और बैठक बुला ली है जो स्पेसिफिकली बिजली बोर्ड की है, पिछले कल वाली सिर्फ ऊर्जा सेक्टर की थी। लेकिन बिजली बोर्ड में अभी जो हलचल है वो ये है कि बिजली बोर्ड के ज्वाइंट फ्रंट ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में इंजीनियर लोकेश कुमार और हीरालाल वर्मा ने कहा है कि सब स्टेशन के साथ पू काजा ट्रांसमिशन लाइन बिजली बोर्ड से छीनने की तैयारी हो रही है और निदेशक मंडल में ये फैसला लिया गया है, इसका विरोध ये ज्वाइंट फ्रंट कर रहा है। और ये डिसीज़न अगर आगे लिया गया तो बिजली बोर्ड के कर्मचारी इसका विरोध करेंगे और अपने हिसाब से अगला आगामी फैसला लेंगे। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, बिजली बोर्ड में आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें भी होने वाली हैं और क्योंकि ये कैबिनेट सब कमेटी पहले से काम कर रही है, राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में कुछ फैसले उन्होंने लिए हैं, अभी वो कैबिनेट से ओके होने हैं और मुख्यमंत्री ने खुद एक स्पेसिफिक बैठक बुलाई है दिसंबर के पहले हफ्ते में, ये एक दूसरी अपडेट है। अब बात करते हैं चिट्टे के कारण एक अनफॉर्चुनेट डेथ की, जिसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। मामला बिलासपुर जिले के घुमारवी थाना के तहत है, एक युवक का है। युवक अपने दोस्त के घर गया, चिट्टे का वहां नशा किया और उसके बाद वहीं पर ये दोनों सो गए। बेसिकली इसका जो दोस्त है उसको पुलिस ने जब पूछा तब ये बात सामने आई।
और इन्होंने ये कहा कि हमने तीसरी मंजिल के कमरे में गए, वहाँ फॉयल पेपर से चिट्ठा लिया, दोनों जो एक ट्रिक होता है इसमें, और चिट्ठा लेने के बाद अमन अपने घर जाने के लिए उठा। अमन नाम था इस युवक का, 22 साल का अमन दीवान है, और उठा लेकिन लड़खड़ाने लगा, फिर दोबारा बिस्तर पर बैठ गया, वहीं सो गया, फिर खर्राटे लेना शुरू कर दिए। बीच में इसको उठाने की कोशिश भी लेकिन नहीं उठा। 11 बजे रात को खर्राटे भी बंद हो गए और उसके बाद इसने कोई बात नहीं की। फिर 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में इसको मृत घोषित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि चिट्टे का जो नशा है वो कितना फैल गया है हिमाचल में। इसीलिए सभी को अपने बच्चों के प्रति और इस नेटवर्क के प्रति अलर्ट रहने की ज़रूरत है। थानों में सीसीटीवी की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल हाई कोर्ट में केस चल रहा है थानों और चौकियों में सीसीटीवी लगाने को लेकर। हाई कोर्ट ने आज डीजीपी को इस बारे में शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं और डीजीपी को यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे उचित स्थान पर लगाए गए हैं या नहीं। दरअसल ये भी स्पष्ट करने को बोला है कि 12 मार्च 2024 को दिए गए हाईकोर्ट के आदेशों पर क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि डीजीपी को ये भी कहा था कि क्या पुलिस थानों में स्थापित सीसीटीवी कैमरे ऐसे स्थानों पर लगाए गए हैं जिससे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले रिकॉर्ड हो सकें। तो अब ये नए सिरे से वो रिप्लाई मांगा गया है। इस रिप्लाई के जाने के बाद कोर्ट आगे अपनी व्यवस्था देखेगा। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं हिमाचल के अधिकारियों के ट्रांसफ़र को लेकर, और ये ट्रांसफ़र को लेकर इसलिए हम बात कर रहे हैं कि अफसरों की ट्रांसफ़र को लेकर, जो क्लास वन अधिकारी होते हैं उनकी ट्रांसफ़र को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है, और इसमें ये कहा है कि क्लास वन अधिकारियों को भी किसी एक स्थान से सामान्य कार्यकाल पूरा करने का हक है। कोर्ट ने कहा कि क्लास वन अधिकारियों का सामान्य कार्यकाल क्या होना चाहिए, यह सरकार का काम है कि इस विषय पर विचार करें और इस सामान्य कार्यकाल को तय किया जाए। देखिए, हिमाचल में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि एक एसडीएम को पिछले 6 महीने में या 1 साल में 4 जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और जो अभी आपने देखा होगा उपचुनाव जब हुए थे, उपचुनाव से पहले जिन जिन सीटों पर, चाहे धर्मशाला है, बड़सर है, सारे एसडीएम एकदम बदल दिए गए थे, और इसी तरह की प्रक्रियाएं सरकार बदलने के बाद इमीडिएटली भी होती हैं। ये जो मामला है पर्टिकुलर जो कोर्ट गया है, ये है एक एक्सियन का, जो जल शक्ति विभाग में तैनात थे इंदौरा में, जिन्हें 6 महीने के बाद शिमला ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि ये विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता अगस्त 2023 के महीने में इंदौरा में तैनात था और मार्च 2024 में शिमला ट्रांसफ़र कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं कर पाए कि याचिकाकर्ता को 6 महीने के बाद इंदौरा से शिमला स्थानांतरित क्यों किया गया। तो मतलब इसमें पब्लिक हित नहीं था, इसमें सिर्फ शक्ति का दुरुपयोग था। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था इसलिए क्योंकि अभी सरकार को कोर्ट ने सिर्फ एक संकेत दिया है कि अधिकारियों के मामले में भी, देखिए कर्मचारी हैं, अगर क्लास टू को लेकर भी सामान्य तौर पर ट्रांसफरें हो जाती हैं, लेकिन क्लास थ्री क्लास फोर को लेकर एटलीस्ट ये होता है कि सामान्य कार्यकाल एक जगह एटलीस्ट 2.5 से 3 साल पूरा हो, उसके बाद बदला जाता है, और अगर नहीं हो तो फिर ये कोर्ट चले जाते हैं, कई बार स्टे मिल जाता है, डीओ नोट पे अगर ट्रांसफ़र हो तो स्टे लगभग मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, लेकिन अधिकारियों के मामले में ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्योंकि कोर्ट ने कहा है, इसलिए सरकार को इस दिशा में सोचना होगा और आने वाले दिनों में ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया पर नियम इस तरह का रहना बनाना पड़ेगा शायद, क्योंकि अगली सुनवाई में पता चलेगा कि वो किस तरह से इस मामले को लेते हैं। विक्रमादित्य सिंह के पदम पैलेस में मुख्यमंत्री सुक्खू गए थे सुबह, क्योंकि लवी के लिए गए थे, कल रात को समापन किया, सुबह पदम पैलेस में गए, उसके बाद रामपुर में दत्तनगर में जो मिल्क प्लांट में एक उद्घाटन और बाकी सारी चीज़ें थी उस कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन पदम पैलेस का लगभग मुझे लगता है उनका ये पहला ही दौरा होगा, और विक्रमादित्य सिंह की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से भी इस जो दौरे की बाकायदा फोटोज जारी की गई हैं। वहाँ उन्होंने बाकी जानकारी भी कि पैलेस की हिस्ट्री क्या है, कब बना, किस तरह से इसको रेगुलेट करते हैं, वो सारी चीजें उसमें थी। लेकिन एफआईआर वाली भर्तियों पर मुख्यमंत्री ने आज क्या हिंट दिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है, और साथ में करुणा मूलक को लेकर भी। देखिए, सीएम कल शिमला से रामपुर गए थे, सचिवालय में पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर के अभ्यर्थी इनका इंतजार कर रहे थे।
क्योंकि ये पांच पोस्ट कोड, चार में एफआईआर है, स्टेनोटाइपिस्ट पांचवा है जिसमें एफआईआर नहीं है लेकिन इंक्वायरी के अधीन है, ये कैबिनेट सब कमेटी के पास हैं और कैबिनेट सब कमेटी में लॉ डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट और जो विजिलेंस है वो कुछ भी लिखने को तैयार नहीं है। जो ऑफिसर्स कमेटी है, जिस ऑफिसर्स कमेटी की सिफारिशों में इन पांच पोस्ट कोड को रद्द करने की सिफारिश की गई है। अब जब ये मामला बीच में फंसा हुआ है तो पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर वाले अभ्यर्थी जो दो दिन से शिमला में हैं, आज सचिवालय में भी थे, उसमें कुछ जो लड़कियां हैं उनके रोते हुए जो वीडियो हैं वो भी वायरल हैं। लेकिन देखिए, अब इंतज़ार इनका दो साल का हो गया है, अब लगभग ये अभ्यर्थी भी सच्चे हैं बेचारे। आज जब ये मिलने आए सचिवालय में, पहले इंतज़ार करते रहे, छुट्टी का दिन था सचिवालय, मुख्यमंत्री ने मिलना नहीं था, ओकओवर आके मिले, तो सीएम ने इनको कहा कि हम रद्द नहीं कर रहे इस भर्ती को, रद्द करना होता तो पहले कभी हो जाना था लेकिन रद्द नहीं कर रहे, थोड़ा सा टाइम इसमें दो, अभी कैबिनेट सब कमेटी के पास मामला है। तो ये साथ में सीएम ने ये भी कह दिया कि कल कैबिनेट की बैठक है लेकिन कैबिनेट की बैठक में कल आपका ये एजेंडा नहीं लगा है, इसीलिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी है वो ये कह रहे हैं कि कल कैबिनेट में अगर ये एजेंडा नहीं लगा तो वो परसों से धरने पर बैठ जाएंगे, क्योंकि दो साल से इंतज़ार हो गया, अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। तो ये तो 980 पोस्ट कोड को लेकर बात है, लेकिन जो करुणामूलक भर्ती वाले हैं वो भी, जो एसोसिएशन है वो भी आज सीएम से आके मिली, ये भी ओकओवर में गेट के बाहर इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही मुख्यमंत्री आए मुख्यमंत्री गेट से बाहर ही उतर गए, फिर इनसे वहाँ पे मिले। इन्होंने भी यही कहा कि आपने विधानसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि 90 डेज के भीतर या जो भी आश्वासन था उसके अनुसार वन टाइम पॉलिसी लाकर हमें राहत दें, हालांकि प्रेजेंट जो नियम हैं वो अलाउ नहीं करते एक तरह से जो सारी चीज़ें रिलैक्स करने को लेकर, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने पहले से एक जजमेंट ऑलरेडी उससे फाइनेंस को बांध रखा है, और अभी किसी और स्टेट का केस सुप्रीम कोर्ट गया था उसमें भी अभी लेटेस्ट ये लास्ट वीक एक डिसीजन आया है कि जो करुणामूलक की जो नियुक्ति है या नौकरी है वो निहित हक नहीं है, ये हाल ही का एक ऑर्डर है, इससे पहले भी इस तरह के ऑर्डर आ चुके हैं। और लेकिन इसके बावजूद जो मुख्यमंत्री ने आश्वासन विधानसभा के अंदर दिया है उसके मुताबिक पॉलिसी पर सरकार क्या काम करेगी और ये काम कितना जल्दी होगा वो सबसे महत्वपूर्ण है। और आज जो ये एसोसिएशन के लोग हैं ये मिले हैं मुख्यमंत्री से, अब आगे इसमें जो अपडेट होगी हम आपको उसकी जानकारी देंगे। अब बात करते हैं सीएम ने जो एक बड़ा ऐलान किया है दत्तनगर में, क्योंकि वहां पर दत्तनगर में सीएम आज 26 करोड़ की लागत से मिल्क फेड के 50,000 लीटर क्षमता के जो एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है उसके शुभारंभ के लिए गए थे। यहाँ पहले ही 20,000 लीटर क्षमता का संयंत्र है, अब क्षमता 17,000 लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। इससे ना केवल जिला शिमला बल्कि कुल्लू मंडी और किन्नौर के जो दूध उत्पादक हैं उनको भी फायदा होगा। लेकिन सीएम ने एक बात कही कि उनके पहले बजट से ही किसानों बागवानों पर फोकस था और आने वाले दिनों में दूध के रेट और बढ़ाने को लेकर भी फैसला सरकार करेगी। मुझे लगता है वो अगले बजट में इसके बारे में कुछ और फैसला लेंगे, और ये एक बड़ा ऐलान वहां पे किया। दूसरी बात, जो बागवानी मंत्री, बागवानी तो नहीं लेकिन कृषि और पशुपालन मंत्री ये हैं चंद्र कुमार साथ थे, क्योंकि इन्हीं के डिपार्टमेंट का ये मिल्क फेड क्योंकि इसी में आता है तो ये साथ थे, और इन्होंने ये कहा कि जो एक गारंटी है कांग्रेस की गोबर खरीदने वाली उस पर सरकार आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इस बारे में डिसीजन हो जाएगा, और ये डिसीजन होने के बाद जो राज्य सरकार है वो जो गारंटी के मुताबिक जो गोबर खरीद होनी है उसको लेकर बहुत जल्दी जो डिसीजन है वो करने वाली है, ताकि जो किसान हैं उनको इस गारंटी का भी लाभ मिल सके। हालांकि सीएम ने कहा कि भाजपा नेताओं के दुष्प्रचार का सरकार मुकाबला करती रहेगी और जो जनहित में काम है उसको करते रहेंगे। अगली बात करेंगे अब कल कैबिनेट में क्या है और 6 सीटों पर उपचुनाव की बात क्यों आएगी, लेकिन इससे पहले बात करेंगे सीपीएस केस में कैवियट की। हिमाचल हाई कोर्ट से सरकार के खिलाफ फैसला होने के बाद 6 CPS जो हैं वो हट गए हैं, उनकी जो बंगले हैं वो बंगले भी विड्रॉ करने के ऑर्डर हो गए हैं। अब विधानसभा से इनको जब घर की अलॉटमेंट होगी तो उसके बाद ये बंगले खाली हो जाएंगे। विधानसभा के स्पीकर अभी न्यूजीलैंड में हैं, जब वो वापस आएंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी।
लेकिन जो एडवोकेट जनरल हैं वो इस केस में एसएलपी फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। मुझे लगता है एसएलपी अभी कल फाइल होगी रजिस्ट्री में, क्योंकि जो उसके बाद पता लगेगा कि कोर्ट इसमें नोटिस किस तरह से लेता है और किस तरह से नोटिस इसमें होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से कैवियट इसमें फाइल हो गया है। लेकिन इस सारी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट जाने में अब आगे चीजें पता चलेंगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या इमीडिएट सरकार को स्टे देता है या नहीं। और दूसरा ये कि जो कैवियट है उस कैवियट में दोनों तरफ से कौन वकील वहां खड़े होते हैं, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष इसमें रहने वाला है। लेकिन दूसरा ये है कि कल कैबिनेट होने वाली है और कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा है कि कैबिनेट में वो इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है। हालांकि कैबिनेट में कोई ज्यादा सरकार के नजरिए में बदलाव की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा कैबिनेट मंत्री तो खुद खुश हैं कि ये फैसला हो गया, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट्स में फाइल का जो रूट था सीपीएस की वजह से वो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो गया था और इंटरफेरेंस भी सीपीएस की वजह से बढ़ गई थी। तो कैबिनेट मंत्री ये कहेंगे कि आप इनको बचाओ, ये संभावना कम है। लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि कैबिनेट में डिस्कस करने के बाद सरकार का रुख क्या रहता है वो पता चलेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि कैबिनेट में बाकी मामले हमने आपको कल बताए थे। एक तो क्लास फर्स्ट में एडमिशन, जो सरकार ने एक फैसला ले लिया था कि 6 साल से कम को नहीं करेंगे, उसको हाई कोर्ट ने काउंटर कर दिया था। फिर हाई कोर्ट ने जो निर्देश सरकार को दे रखे हैं एडमिशन के मामले में, वो कल मामला दोबारा से कैबिनेट में जा रहा है ताकि जो अमेंडमेंट इसमें करनी है हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, वो अमेंडमेंट किस तरह से करनी है वो हो सके। कॉलेज टीचर अवार्ड पॉलिसी उसमें जाएगी। उर्दू टीचर, पंजाबी टीचर, एलटी टीचर, ये तीनों नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक दो में फाइनेंस की क्वेरी है और एक में अभी शिक्षा विभाग ने ही वापस कर दिया है एलिमेंट्री डिपार्टमेंट को प्रपोजल रिवाइज करने के लिए। और बाकी जो पंचायती राज से कुछ मैटर जा रहे हैं, कुछ हेल्थ से जाएंगे, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड और बाकी और भी मैटर हैं, लेकिन एक रेवेन्यू से भी कुछ जा सकता है जिसको लेकर अंदेशा है एक ऑर्डिनेंस का। हालांकि हम इसके बारे में विस्तार से कभी आपको बाद में बताएंगे जब सामने चीज आएगी, लेकिन ये डायरेक्शन में पाइपलाइन में है। अब आएगा कब ये, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन ये तो जो कैबिनेट की एजेंडा अभी तक है। वैसे आज का दिन छुट्टी थी, कल भी कैबिनेट अर्ली हो सकती है, 12 बजे का टाइम है, लेकिन थोड़ा अर्ली भी हो सकती है क्योंकि फिर उसके बाद और गतिविधियां कुछ हैं। लेकिन इस कैबिनेट के बाद बीजेपी के रुख की जहां तक बात है, क्योंकि जो सीपीएस पे जजमेंट आई है उसमें एक विंडो खुली है पैरा नंबर 50 से, जजमेंट का जो पैरा है कि आप गवर्नर के पास पिटिशन डालिए और गवर्नर के पास डिस्क्वालिफिकेशन के लिए केस मूव करिए। आज बीजेपी के जो नेता हैं और जो विधायक हैं श्री नैना देवी जैसे रणधीर शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियरली कहा है ऊना में कि भारतीय जनता पार्टी इन 6 सीटों में 6 विधायकों को अनसीट करने के लिए जो भी लीगल ऑप्शन अवेलेबल है उस पर जाएगी ताकि इन 6 सीटों पर उपचुनाव हो। ये पहला आधिकारिक बयान है बीजेपी के किसी नेता के माध्यम से। कल कांगड़ा के जो एमपी हैं राजीव भारद्वाज, जो उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी में, वो शिमला आए थे लेकिन उन्होंने ऐसी कोई भी चीज कहने से परहेज किया था। इवन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी ये कहा था जब वो पुणे जा रहे थे जिस दिन फैसला आया था कि वो पार्टी हाईकमान से पहले बात करेंगे। लेकिन आज रणधीर शर्मा ने क्लियर कहा है कि वो 6 विधायकों के अनसीट करने को लेकर जो भी लीगल रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है हम उस पर आगे बढ़ेंगे ताकि इन 6 सीटों पर अगले 6 महीने के अंदर उपचुनाव हो। अब ये मामला किस तरफ को जाएगा, कैबिनेट में क्या डिस्कस होगा, क्या हमारे पास ऑप्शन है, एक पॉलिटिकल सर्कल में एक चर्चा चल पड़ी है, हालांकि कुछ मीडिया में भी आ गई है कि जो 9 बीजेपी विधायकों के खिलाफ एक पिटिशन पेंडिंग है कांग्रेस के विधायकों की, 9 विधायकों के व्यवहार को लेकर सदन के अंदर जो स्पीकर के पास पेंडिंग है जिसको लेकर नोटिस जारी हो चुके हैं, उसमें भी अब सरकार की तरफ से हो सकता है स्पीकर कोई सरकार की तरफ से आगे कोई रिक्वेस्ट जाए या कोई बात हो और उसके बाद स्पीकर कोई निर्णय ले। हालांकि उस केस में अनसीट करने वाला तो कोई प्रावधान दिखता नहीं, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में कई चीजें जो हैं वो संभव हैं, कई असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं क्योंकि कोर्ट में तो केस को फिर आगे उलझाया
बढ़ाया ही जा सकता है। तो इस हिसाब से आने वाले दिनों में अगर ये 6-9 की तरफ को क्या केस जाएगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग देखने को रहने वाला है। हालांकि ऑफिशियली जब तक स्पीकर साहब वहां से वापस नहीं आते विदेश दौरे से, उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ चलेंगी कि वो क्या आगे चीज़ें होंगी इसमें। खासकर जो ये CPS से वापस MLA बन गए, इनको लेकर हाउस अलॉटमेंट एक स्पीकर के पास है, और दूसरा जो ये 9 विधायकों की, बीजेपी के विधायकों की शिकायत है, उसमें क्या होता है। तो ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं अभी। अब बात करते हैं रिटायरमेंट एज के विवाद की। देखिए, सोशल मीडिया पे आज एक ड्राफ्ट जैसा सर्कुलेट हुआ, बहुत सारे लोगों ने सर्कुलेट किया, उसमें कुछ सरकारी भी थे, और वो ये था कि भारत सरकार ने जो रिटायरमेंट एज है उसको 2 साल बढ़ा दिया है। हालांकि DOPT की वेबसाइट पर चाहे आप जाइए, चाहे आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की जाइए, चाहे आप कोई और भारत सरकार का मंत्रालय देखिए, ऐसा कोई डिसीज़न अभी तक भारत सरकार में नहीं हुआ है। हालांकि एक ज़रूर है कि DOPT ने एक ये प्रपोजल मूव किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर, और उसमें एक असेस किया जा रहा है कि इससे क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। ये अभी भी उसी फाइनेंस मंत्रालय में पेंडिंग है, और उसके बाद आगे बढ़ने के बाद PMO ने पहले इस पे कॉल लेनी है कि इस पे आगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगर डिसीजन लेना हो तो इस पे आगे जाना है या नहीं। तो ये तो होगी भारत सरकार वाली स्थिति। दूसरा, आपको एक लीगल पोजीशन बताते हैं कि अगर मान लीजिए भारत सरकार भी 60 से जो रिटायरमेंट एज है उसको 62 कर देती है, तो क्या इसमें हिमाचल बाध्य है उसको लागू करने का? जवाब है नहीं। उसकी वजह यह है कि रिटायरमेंट एज कंप्लीटली स्टेट सब्जेक्ट है एम्प्लॉइज को लेकर, और इसीलिए इंडिविजुअल स्टेट ने यह डिसाइड करना है कि रिटायरमेंट एज उनके पास क्या रहनी चाहिए। अभी अगर हम देखें तो असम ने अपनी फाइनेंशियल मजबूरी में जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाया था, और रिटायरमेंट एज जो केरल ने बढ़ाया था सबसे पहले, और केरल ने ये स्टेप लिया था 55 से 60 करने का, डायरेक्टली 5 साल बढ़ा दिए थे। और केरल एक ऐसा स्टेट है जिसने भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फाइनेंशियल डिसबर्समेंट के लिए केस कर रखा है, और वहाँ जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बुरी तरह से मैस्ड अप है, इसीलिए वहाँ उस स्टेट को हम अपने लिए एग्जांपल अभी नहीं मान सकते, लेकिन वहाँ रिटायरमेंट एज 60 कर दी गई थी। दूसरा जो एग्जांपल है हमारे सामने, केरल के बाद आंध्र प्रदेश ने 60 से 62 किया है, और उसके अलावा अभी रिसेंट कोई एग्जांपल नहीं है। लेकिन भारत सरकार भी अगर कर देती है तो भी हिमाचल उसको करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर हिमाचल को रिटायरमेंट एज बढ़ानी है तो उसका एक ही मजबूरी हो सकती है, और वो मजबूरी है फाइनेंशियल जो देनदारी है उसको 2 साल टालने की, क्योंकि रिटायरमेंट के साथ जो देनदारी है वो एक तरह से अनकंट्रोलेबल होती है। उसकी वजह यह है कि जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है उसका चाहे GPF है चाहे वो कम्यूटेशन है, हालांकि कम्यूटेशन पर तो अभी फैसला भी पेंडिंग है, लेकिन वो कितना ड्रॉ करेगा वो सरकार के कंट्रोल में नहीं होता, और ट्रेजरी को फिर वो सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए हिमाचल के सामने जो आगे मुश्किल स्थिति है ये साल और अगला साल, खासकर ये साल तो चलो 31 मार्च तक फिर भी लगभग अभी निकल ही गया, लेकिन अगला फाइनेंशियल ईयर सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 2025 में कोई उम्मीद बड़ी मदद की नहीं है, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 52% कम है इस साल से भी, और जो उससे अगला साल है 2025 का, उसके लिए हम एक उम्मीद ये कर सकते हैं कि 16वां वित्त आयोग का जो अवार्ड है वो आ जाएगा और वो फिर लागू हो जाएगा। उसमें ये संभव है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कोई मदद मिल जाए, या जिस तरह से राज्य सरकार ने केंद्र के सामने मांग रखी है कि ग्रीन बोनस जैसे किसी और तरीके से कंपनसेट किया जाए, उसमें अगर कोई राहत मिल गई तो फिर उसमें कोई राहत की उम्मीद अभी भी है। लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की देनदारी अगर टालनी है तो इस मजबूरी में हो सकता है हिमाचल सरकार कोई निर्णय ले। वीरभद्र सिंह सरकार ने एक बार निर्णय लिया था कि 1 साल रिटायरमेंट पोस्टपोन कर दी थी, और उसके बाद ये परंपरा कुछ साल चली थी जब फाइनेंशियल दिक्कत थी। तो ये पहले से सेट प्रेसिडेंस हैं, उनको राज्य सरकार ले सकती है, लेकिन वो किसी इसलिए नहीं लिया जाएगा कि उससे कर्मचारियों के एक्सपीरियंस का फायदा होगा, या सरकार को कोई और एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई फायदा हो जाएगा, या उसके पीछे कोई और रीज़न है। उसके पीछे एकमात्र रीज़न है कि फाइनेंशियल देनदारी को टालना है, अदरवाइज रिटायरमेंट एज बढ़ाना अच्छे
जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि युवाओं का रोजगार और जो सर्विंग एम्प्लॉई हैं उनकी प्रमोशन प्रभावित होती है, और इसीलिए इसको नेगेटिव उसमें सेंस में लिया जाता है रिटायरमेंट एज बढ़ाने को। तो जो भी स्थिति अभी प्रेजेंटली है वो मैंने आपको बता दी। अभी किसी स्तर का कोई डिसीजन नहीं है रिटायरमेंट एज बढ़ाने का, ना केंद्र सरकार के स्तर पर ना राज्य सरकार के स्तर पर। तो ये आज प्रमुख मैटर थे। कल कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक के डिसीजन हम आपको लेकर कल जुड़ेंगे फिर से। और जो अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम आपके लिए रिप्लाई भी ला सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।